HMD का बारबी स्मार्टफोन जो कि काफ़ी टाइम पहले HMD ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसको यूके एंड यूरोपियन रीजन के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, यूके के अंदर बहुत जल्द लॉन्च किया जाने वाला है। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में भी कि कितने प्राइस में आता है, इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ कितना प्राइस है। साथ में बात करेंगे इसके स्पेक्स के बारे में कि जो इसके अंदर स्पेक्स हैं क्या वो आज के टाइम में वर्थ इट है इतने प्राइस के अंदर, वो सभी बातें करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। आप लोग जानते ही होंगे कि HMD ग्लोबल फोन्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है नोकिया के लिए, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इसने अपने खुद के भी फोन्स निकालने स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में इसने अपने कुछ स्मार्टफोन्स निकाले थे और अब भी स्मार्टफोन्स लेके आ रही है, और फाइनली उन्होंने अपना बारबी फोन लॉन्च कर दिया है, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले इन्होंने बोला था कि बारबी फोन लॉन्च करेंगे, तो फाइनली ये फोन लॉन्च हो चुका है। ये एक रेट्रो फ्लिप फोन इसको आप बोल सकते हैं, जो पुराने वाले आते थे, काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील आपको आएगी इसको देख के, क्योंकि जैसे पहले फ्लिप फोन आते थे नोकिया के, उस टाइप का ये एक फ़ोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात करेंगे इसके स्पेक्स के बारे में, और मैं इसको आपके भी फोटोज़ इसको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ़ोन दिखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें आपको डबल डिस्प्ले मिलती है, एक आपको छोटी डिस्प्ले मिलती है बाहर की तरफ और एक मेन डिस्प्ले मिलती है अंदर की तरफ। दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों का साइज कितना है, क्या क्या इनके यूजेस हो सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, सब बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको डबल डिस्प्ले मिलेगी, जो इसके इंटरनल डिस्प्ले है वो 2.88 इंचेस की है, और जो आउटर डिस्प्ले यानी कि एक्सटर्नल डिस्प्ले वो मिलेगी आपको 1.77 इंचेस की। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई पूरी डिस्प्ले है, जो आउटर डिस्प्ले है यानी कि एक्सटर्नल वाली डिस्प्ले, वो पूरी डिस्प्ले नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पर फोटोज़ दिखा रहा हूँ, बल्कि वो एक उसके अंदर ग्लास लगाया गया, यानी कि आप एज ए मिरर उसको यूज़ कर सकते हैं, बीच में छोटी सी स्क्रीन है। अब वहाँ पे कितनी चीज़ें शो होंगी उसके बारे में नहीं पता, आई थिंक उसके अंदर सिर्फ आप टाइम वगैरह ही देख सकते हैं जितना मुझे पता है, या फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह ही, बाकी जो काम होगा आपका मेन डिस्प्ले यानी कि इंटरनल डिस्प्ले से आप लोग करने वाले हैं। हालांकि इंटरनल डिस्प्ले 2.88 इंचेस की है, तो एज ए फ्लिप फोन काफ़ी है आपके लिए। बात करें प्रोसेसर की, तो यूनिसो का T107 प्रोसेसर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर 64 MB की रैम मिलेगी, 128 MB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा के 32 GB तक उसको बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें इसके OS के बारे में, तो इसके अंदर आपको S30+ OS देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले नोकिया के स्मार्टफोन में मिलता था। अब S30+ बताया जा रहा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये स्मार्टफोन अभी अमेरिका में लॉन्च नहीं हुआ, यानी US में लॉन्च नहीं हुआ है, तो जैसे ही US में लॉन्च होगा तो वहाँ पे कंपनी का ये OS दे सकती है इसके अंदर, ठीक है। और अगर बात करें, इसके अंदर आपको FM रेडियो वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, MP3 प्लेयर मिल जाएगा, 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने के लिए इसमें मिल जाएगा रियर साइड में। ये जो स्मार्टफोन है, इसमें आपको LTE का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है ना, डबल सिम लगा सकते हो, LTE सपोर्ट है, तो ये अच्छी बात है, बट लेकिन उस LTE का कुछ काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप YouTube, WhatsApp, Facebook जैसे कोई भी एप्लीकेशन को ना ही इंस्टॉल कर सकते हो ना ही चला सकते हो, ठीक है, तो उस तरह का ये फ़ोन नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाएगा, और टाइप सी केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा, 1450 mAh की बैटरी दी गई है इसमें, और लगभग 123.5 ग्राम इसका वेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बॉक्स कंटेंट जानना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। अगर हम मेन चीज़ों की बात करें, तो चार्जर और फ़ोन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, दो अलग से बैक कवर इसके आपको मिलेंगे जो अलग अलग कलर्स के हैं, आप इसको लगा सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं। साथ में कुछ फालतू चीज़ें भी हैं, फालतू चीज़ें मीन्स स्टिकर वगैरह बारबी की, वो सारी चीज़ें देख अलग से दे दी गई हैं कंपनी ने, बट मेन चीज़ आपको फ़ोन, चार्जर, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बॉक्स के अंदर। चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इसका जो प्राइस है यूरोपियन मार्केट के अंदर, मैं उसको कन्वर्ट करके बताता हूँ इंडियन रुपीज़ में, लगभग 12,000 के आसपास है। अगर बात करें यूके की, तो उसका प्राइस लगभग इंडियन के हिसाब से 11,000 के आसपास है। तो एक ऐसा फ़ोन जो कि LTE तो सपोर्ट करता है, यानी कि 4G तो सपोर्ट करता है, बट उसके अंदर आप 4G वाली कुछ चीज़ चला नहीं सकते, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इसमें से कुछ भी चीज़ आप नहीं चला सकते उसके अंदर, तो फिर किस काम का वो, और वो भी 11,000 में। 11,000 में आप एक अच्छा खासा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं आज के टाइम पे, जो कि 5G फ़ोन होगा। तो यहाँ पे HMD ने क्या किया है, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि HMD जब से आ रही है, HMD ने पहले अपने स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए हैं, और ये जो स्मार्टफोन्स हैं, ये स्मार्टफोन्स भी बस ऐसे ही हैं, काम चलाओ वाली बात है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये अपने फोन्स लॉन्च करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या ये बारबी वाला फ्लिप फोन हो, उतने प्राइस रेंज के अंदर आप एक अच्छा खासा स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो इन्होंने एक काम अच्छा किया कि अपने खुद के स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश की है, बल्कि लॉन्च कर भी रहे हैं नोकिया से अलग हटके, बट लगा था कि शायद कुछ
बेटर करेंगे, नोकिया से बेटर कम से कम करेंगे, लेकिन अभी अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है जो एक्सपेक्टेशन जितना हो। इंडिया में भी इसके पल्स स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, स्मार्टफोन जो है एचएमडी पल्स, लेकिन वो किसी काम के नहीं निकले। मतलब मैंने उनको जितना कंपेरिजन वगैरह किया, मुझे कहीं से कहीं तक वो पसंद आए ही नहीं है। मुझे लगा शायद कंपनी बेटर कर सकती है बाद में, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है इन्होंने। अभी इंडिया में इस बारहवीं फोन की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इस बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया, बट देखने वाली बात है कि अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो कितने प्राइस रेंज में होता है, क्योंकि 11,000 में तो शायद कोई ना ले इसको। मुझे मैं कह रहा हूँ इसको 5,000 में भी कोई नहीं लेगा इंडिया के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है। अब क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में 1500 से 2000 में आराम से एक फीचर फोन आ जाता है, जिसके अंदर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब चला सकते हो, 4G सिम चला सकते हो, चाहे वो जियो का ही क्यों ना हो, लेकिन मिल जाता है आपको। तो इस प्राइस रेंज में 10-11 हज़ार में एक ऐसा फ़ोन लेना, मुझे नहीं पता कहाँ से समझदारी होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, ये फीचर्स कैसे लगे, आपको लगता है कि वर्थ इट है, क्या HMD बेटर कर रही है, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।